वाह वाह, आज नाश्ता करने में मजा आ गया। इतनी सारी वैरायटी थी, वो बोलते ना वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, आज अनुभव करने को मिला, मजा आ गया। सही बात है छोटी, तुम्हारे आगे पराठे तो कमाल थे भाई। थैंक यू आदि भाई, और आपके घर की बनी कचौड़ी, ओए 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 क्या स्वादिष्ट थी, अभी तक मुंह में स्वाद है। थैंक यू थैंक यू। मेरे को तो माधवी भाभी के हाथ का खाली पीठ बहुत अच्छा लगा। ए अय्यर, खाली पीठ नहीं बोलते, थाली पीठ बोलते, थाली पीठ। आ थाली पीठ। पर मेरे बात करो तो मेरी इच्छा तो बबीता जी ने पूरी कर दी। मतलब कल से वो बंगाली खाना खाने की इच्छा जो अधूरी थी आज पूरी हो गई। ओ ओ ओ, कुचोरी कुचोरी ना, क्या कुचोरी थी, मुझे आ गया। अय्यर भाई, मेरी तरफ से बबीता जी को खास थैंक यू बोलना। लेकिन अभी तुमने घर पर बोला है ना बबीता को थैंक यू, पर एक और बार बोल देना, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, ये तो देखा। हाँ बोल दूंगा भाई, ये गलत है, सबके नाश्ते की तारीफ हो रही, मेरी पूरी भाजी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। मैं इतनी दूर से सुबह सुबह उठकर रिक्शा पकड़ कर ये पूरी भाजी लेकर आया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। अरे भाई पोपटलाल, हम लोग भी घर से जलेबी फाफड़ा लेके आए थे, लेकिन किसी ने अभी तक उसकी बात भी नहीं की। की ना आपने बात? नहीं, ये मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये एहसास दिलाया है कि किसी ने उसकी बात नहीं की। जहां तक तुम्हारी पूरी भाजी की बात है तो वो भी बहुत बढ़िया थी। थैंक यू। कुछ भी कहो दोस्तों, लेकिन आज मजा आ गया। मजा तो आया। ओ मजा क्यों नहीं आएगा भाई, एक तो यारों का साथ, ऊपर से इतना स्वादिष्ट नाश्ता, ओए आज का दिन तो एकदम यादगार हो गया। सही बात है। हाँ बिल्कुल यादगार हो गया, और मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा दिन, ऐसी सुबह हर रोज आए, साल में 365 दिन इसी तरह का नाश्ता करें हम लोग, ताकि वो जो फीका सलाद वाला नाश्ता मैं करता हूँ उससे मुझे मुक्ति मिले। ये देखिए क्या बोल रहे मेहता साहब, अंजलि भाभी। मेहता साहब डर गए, डर गए, डर गए, डर गए, डर गए, डर गए। अंजलि भाभी से इतना डरते क्यों हैं आप? जेठालाल, मैं अंजलि से नहीं डरता हूँ, ये अंजलि जो खिलाती है ना डाइट फूड, उससे डरता हूँ भाई। वैसे जेठा भाई, आज एक बात साबित हो गई। क्या क्या? गोकुलधाम वाले आप लोगों को दया भाभी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जेठालाल, मैं अभी तुम्हारा शुक्रिया कबूल नहीं कर सकता। क्यों? अरे भाई, एक बार और तुम्हें मेरे घर खाना खाने आना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि इतना बढ़िया खाना बनाऊंगा कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, आएंगे आएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आइंदा जब भी आप में से किसी के भी घर पे खाना खाने की इच्छा हुई तो हम लोग पहले से बता के आ जाएंगे। हा? चलो भाई, खाना पीना भी हो गया, हंसी मजाक भी हो गया, आप काम पे जाने का वक्त हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे मेहता साहब, क्या निकलता हूँ, मुझे भी निकलना है, रुको भाई। अरे भाई जेठालाल, तुम अपने दुकान के मालिक खुद हो, तुम्हें वक्त की कैसी पाबंदी, लेट जाओ तो भी चलता है, पूछने वाला कौन है? लेकिन हमारे वहाँ तो ऑफिस में बॉस बैठा है भाई, ये जो 25 सवाल करेगा जवाब देना पड़ेगा। मेहता साहब, आपका तो सिर्फ एक ही बॉस है, मेरे तो 50 बॉस होते हैं। 50 कस्टमर, सबको राजी रखना पड़ता है भाई, आपकी तरह थोड़ी है कि एक बॉस को राजी किया कि हो गया काम। ओ क्रैक टकल गई जेडबरा। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं है कि बॉस किस बला का नाम है, आप एक बार भगवान को खुश कर सकते हो, बॉस कभी खुश नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मेहता साहब आपने। अरे बॉस आता, ए बॉस आता, कहा आप लोग नौकरी और धंधे की क्रिकेट मैच चालू करके बैठ गए। बॉस को कुछ करने या कस्टमर को कुछ करने के लिए काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। ओ यारो, अपनी जीप तैयार है, आप सबको छोड़ते हुए मैं थोड़ी के राज चला जाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, चलो ओके 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 ओके, गुड डे गुड डे, चलो सेठ जी, सेठ जी मुबारक हो, गुड न्यूज है, बागा हैज डन इट। बागा, बता बता दो, बावरी है तब बताना है।
अरे एक मिनट दादा, क्या बावरे है तब बताना है गुड न्यूज, क्या 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 चल क्या रहा है? सेठ जी दादा, टू काका क्या कह रहा है ये? धीरे धीरे बावरी बेटा, ज्यादा उछल कूद मत कर। अरे क्या चल रहा है ये सब, उछल कूद मत करो, गुड न्यूज क्या ये सब? अब तो बता दे, बावरी भी आ गई। बावरी जी आप बताइए ना। बागेश्वर जी आप बताइए ना। आप बताइए ना बावरी जी, सेठ जी को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फिर मैं बताती हूँ, आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपसे मिलने महेंद्र सिंह धोनी आए। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हमारा घोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या टीवी टीवी खरीदता। लट्टू काका उनको जो चाहिए सब दे देना और एक पैसा मत लेना, मेरी तरफ से फ्री फ्री फ्री। दुकान में चलो। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, बावरी से नाम में गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ सेठ जी, बावरी जी महेंद्र सिंह धोनी नहीं, सुरेंद्र सिंह गोनी। गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। अभी ये सुरेंद्र सिंह गोनी कौन है? ये हमारे पद्मावती भोजनालय में खाना बनाते हैं, हेड शेफ है। हाँ सेठ जी, वो आज सुबह आपने बताया था ना कि जब तक सेठानी जी नहीं आती तब तक आपको पद्मावती भोजनालय से खाना मंगवाना है। हाँ। तो मैंने उनसे बात कर ली है, उसी सिलसिले में वो आपसे मिलने आए हैं। तो ये बावरी यहाँ क्यों आई है? बावरी जी तो उनको लेकर आई। कहाँ से? पद्मावती भोजनालय से। वो क्या है सेठ जी, गोनी जी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस पता नहीं था ना, इसलिए बावरी जी उन्हें लेकर आई। स्कूटर पे? नहीं सेठ जी, बावरी जी आगे स्कूटर पे थी और गोनी जी पीछे रिक्शा में उनको फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो क्या है, कहाँ है सुरेंद्र सिंह गोनी? वो मैंने उन्हें बाहर खड़ा किया है। क्यों? मैंने सोचा पहले मैं खुद जाकर देख लूं, कहीं आप बिजी तो नहीं है। अरे बावरी बेटा, वो हमारे पद्मावती भोजनालय के हेड शेफ है, तूने इसे बाहर नहीं खड़ा रखना चाहिए, जल्दी बुला जल्दी बुला। हाँ, अभी बुला के लेके आती हूँ। मैं उनके लिए चेयर लेके आता हूँ। सेठ जी, गोनी महाराज है ना जरा सर फिरे, क्योंकि रसोई इतनी अच्छी बनाते हैं ना, उसका उनको घमंड है। आगे आई नहीं अभी तक बावरी जी लेके उनको। आइए आइए आइए। जय अन्नपूर्णा मात की। लट्टू काका, आपको तो पता है ना मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, आपके और बागा के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया और आपने मुझे इतना देर बाहर खड़ा कर दिया। सॉरी सॉरी गोनी महाराज, बात क्या है कि सामान बहुत पड़ा था गोडाउन में, इसलिए हम आपके बैठने की व्यवस्था कर रहे थे। प्लीज प्लीज आइए बैठिए। गोनी महाराज, ये है हमारे सेठ जी, और सेठ जी ये है हमारे पद्मावती भोजनालय के हेड शेफ गोनी महाराज। लट्टू काका और बाघा ने कहा था कि आपके यहाँ कुछ खाना भिजवाना है, इसलिए मुझे थोड़ा पूछताछ करनी होगी। खाने के लिए पूछताछ? बावरी जी, बावरी जी, गोनी महाराज का अपना उसूल है, वो अगर किसी के भी घर खाना बेचते हैं तो ऐसे भेज ही नहीं देते, जिसके घर भी खाना बेचते हैं उनसे मिलके उनसे पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर खाना बेचते हैं। गोनी महाराज पूछिए। ये बताइए कितने लोग हैं? क्या मतलब? मतलब कि आपके घर कितने लोगों का खाना भिजवाना है? हाँ, तीन। अच्छा ये बताइए कि इन तीन लोगों में कितनी लेडीज, कितने जेंट्स और कितने बच्चे हैं? महाराज तीनों जेंट्स ही है, सेठ जी, सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी और सेठ जी के बापू जी चंपक चाचा जी। ठीक है,
मनपसंद खाना जलेबी और फाफड़ा, पपैया नो संभर और साथ में अगर कढ़ी मिल जाए तो बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो चंपकलाल जी को जलेबी और फाफड़ा पसंद है, है? नहीं नहीं बापूजी को नहीं पसंद, नहीं मतलब पसंद है लेकिन मेरे जितने नहीं, ये तो मैंने मेरी पसंद बताई। अरे भाई पहले उनका बताओ, वो बुजुर्ग है। बापूजी का मनपसंद खाना तो बाजरे का रोटला, बैंगन भरता और साथ में खिचड़ी मिल जाए तो बस खुश बापूजी। और आपके बेटे को? बेटे को तो आजकल के बच्चों को जो जो पसंद है वो उसको भी पसंद है, जैसे पिज्जा, पास्ता और पाव भाजी और वो सब। अच्छा खाने में नमक और मसाला कितना डालते हैं? वो तो दया से पूछना पड़ेगा। ये दया कौन है? मेरी पत्नी। अरे अभी आपने कहा कि आप तीन लोग हैं, आप क्लियर मुझे बताइए, तीन लोगों का खाना भेजना है या चार लोगों का? तीन तीन भाई तीन। तो दया भाभी वो खाना नहीं खाते क्या? महाराज खाना तो खाते ही होंगे ना, खाना खाए बिगर कोई कैसे जिंदा रह सकता है। तो? लेकिन क्या है, सेठानी जी कुछ दिनों के लिए बारगांव गई है, इसीलिए तो सेठ जी, टप्पू सेठ जी और सेठ जी के बापूजी के लिए आपके यहाँ से टिफिन मंगवाना है। अच्छा भाभी फीका खाना बनाती है या मसालेदार? एकदम चटाकेदार। ठीक है आपके स्वाद अनुसार आपके घर खाना पहुँच जाए। चल। अगर खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरा फोन नंबर है, अगर फोन मत कीजिएगा मैसेज करना, मैं आपको फोन कर लूंगा। ये लीजिए आपका व्यंजन का एल्बम, इसके अनुसार आपके घर पे खाना पहुंच जाएगा। सुबह के नाश्ते में रहेगा पोहा, उपमा, इडली और आपका फेवरेट फाफड़ा और जलेबी। दोपहर के खाने में रहेगा भिंडी की सब्जी, मेथी मटर, नौरतन दाल, फुल्का रोटी और चावल। रात के खाने में रहेगा बैगन का भरता, मसाले की खिचड़ी, बाजरे की रोटी और कढ़ी। वाह वाह वाह। बस बस भाई बस इसको रख दो, ये देख के तो अभी से भूख लगने लगी है। ये लीजिए और जल्द से जल्द मस्त स्वादिष्ट खाना भेजने लगो। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। ओके ओके। जय अन्नपूर्णा माँ। जय जय अन्नपूर्णा माँ। जय अन्नपूर्णा माँ। थैंक यू नटो काका, थैंक यू बागा, थैंक यू बावरी बावरी, थैंक यू। खाने की व्यवस्था हो गई। ओके चलो बावरी अभी घर जाओ, दुकान बढ़ाने के बाद आना। हाँ बागा से मिलने। ओ अच्छा अच्छा, बाय बावरी जी, बाय बाय। चलो नटू काका। बस जा रहे हैं सेठ जी। अरे क्या जा रहे हैं भाई, चलो नटू काका मतलब चलो दुकान में जाओ, धंधे में थोड़ा ध्यान दो। आइए नटू काका आइए, कम बेटा आइए। चलो पद्मावती भोजनालय में खाने का बंदोबस्त हो गया, बापू जी को बता देता हूँ। हेलो, हाँ बापू जी, वो पद्मावती भोजनालय में खाने का बोल दिया है, तो अभी सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम टाइम टू टाइम खाना हमारे घर पे पहुंच जाएगा, तब अभी खाने की चिंता बिल्कुल मत करना। तो भाई ये मुझे क्या बोल रहा है, मैं खाने की चिंता करता ही नहीं, ये खुद को बोल चटुड़िया। चटुड़िया? आप मुझे चटुड़िया बोलते हैं बापू जी, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। ये क्या बोल रहे? भूल गए कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ? भूख के मारे आप कितना गुस्सा कर रहे थे। चल चला भाई, फोन रख, काम के वक्त फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओके ओके बापूजी। क्या हुआ दादाजी, किसका फोन था? जेठिया का फोन था, उसकी पद्मावती भोजनालय में बात हो गई है, अब सुबह शाम मस्त खाना आ जाए। चलो अच्छा। टप्पू बेटा मेरा तो मानना है कि इंसान को जीवन में अच्छा खाना और अच्छी पुस्तकें मिल जाए ना तो वो खुशी से जी सकता। बिल्कुल सही बात है दादाजी। एक्सक्यूज मी सर,
चंपकलाल गाड़ा के नाम का कुरियर है। हाँ मैं हूँ चंपकलाल गाड़ा जी। ये यहाँ पर साइन कर दीजिए। दादाजी ये कुरियर बचाव से आया है। अबो शादी की कंकोत्री होगी बेटा। वो बचाव में मेरा दोस्त है ना जयंती, उसका दो दिन पहले फोन आया था, उसकी बेटी की शादी है तो वो कंकोत्री भेज रहा है। अच्छा भाई और कहीं भी साइन करनी है? नहीं नहीं चाचा जी, वो प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें घर से पानी साथ में लेकर निकलना चाहिए, गर्मी बहुत है ना। चाचा जी मैं पानी साथ में ही लेकर निकला था, पर धूप बहुत ज्यादा है ना, तो जो मेरे पास पानी था वो खत्म हो गया है। वो क्या है ना चाचा जी कि धूप में कब से घूम रहा हूँ और कुरियर डिलीवर कर रहा हूँ, और गर्मी बहुत ज्यादा है ना इसलिए बार बार प्यास लगती रहती है। हाँ, जी, जी ये लीजिए पानी। हाँ जी थोड़ा पानी और मिल सकता है? हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ। हाँ जी और दूँ? नहीं नहीं बस बस, धूप में पूरा दिन घूम के थक जाते होगे ना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, ये तो अपना काम है, और फिर काम में थकान कैसी। वो क्या है ना कि किसी के यहाँ चेक लेकर जाता हूँ, किसी के यहाँ शादी की खुशी लेकर जाता हूँ, और किसी के यहाँ कानूनी नोटिस लेकर जाता हूँ। पर सच कहूँ चाचा जी कि किसी को खुशी बांटना किसी को गम बांटना यही मेरा काम है, पर आप जैसे लोग मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओके चलता हूँ चाचा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी क्या देख रहा है? बस दादाजी यही कि ये अंकल दिन भर धूप में कितनी मेहनत करते हैं ना, इन्हें देखकर मुझे अपने बारे में ख्याल आ गया। आपने और पापा ने दिन रात मेहनत करके जो मुझे सुख दिए सहूलियतें दी, कभी कभी उसे मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू भूल जाता हूँ। अबू बेटा तू अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तब समझ जाएगा कि जीवन में कठोर परिश्रम और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अरे दादाजी उन्हें रोकना होगा। क्यों? दादाजी उनकी पानी की बोतल खत्म हो गई थी ना, तो हमें उन्हें भर के देनी चाहिए थी। बराबर है टपुड़ा, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से नीचे जाके उसे रोकता हूँ, तू फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल लेकर। हाँ जा जा जल्दी। अरे बेटा सुनो एक मिनट रुको। क्या हुआ चाचा जी? अरे बेटा देखो कितनी धूप है, इतनी गर्मी है कि पेड़ पौधों को भी पसीना आ जाए, और तुम्हें भी गर्मी में पूरा दिन बाहर घूमना है ना। जी हाँ। तो वो तुम्हारी पानी की बोतल खाली हो गई है ना, तो वो भर के फिर तुम जाओ। जी 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 लाइए आपकी पानी की बोतल, लीजिए मैं ठंडा पानी भर देता हूँ। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा इसमें शुक्रिया किस बात का, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा मैं चलूं, मुझे और भी जगह कुरियर देने जाना है। हाँ। एक बात कहूं चाचा जी? हाँ बोलो बेटा। मैं रोज इतने सारे घरों में कुरियर देने जाता हूँ, पर इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ किसी ने नहीं किया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। दादाजी लोग इतनी गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं ना, पूरा दिन धूप में घूमते रहते हैं, तो उन्हें कितनी प्यास लगती होगी ना। अरे बेटा प्यास तो सबको लगती है ना, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। तो दादाजी हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? चल बिल्ली मास्टर को बुलाते हैं। क्यों? अभी सोसाइटी मीटिंग बुलाने। सोसाइटी मीटिंग? ये चल तो सही। जन्म मानव का लेके जो दया नहीं की तो मानव कहलाने से क्या फायदा, जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कड़ी धूप खुला आसमान कहर बरपाती गर्मी, और इस भीषण धूप और गर्मी में मेहनत करते हजारों लाखों करोड़ों लोग। इंसान
इस गर्मी का कहर बर्दाश्त करता है, लेकिन इंसान के पास तो सुविधाएं हैं। वो छत के नीचे बैठ सकता है, पंखा चला सकता है, एसी चला सकता है, लेकिन उन मूक पशु पक्षियों का क्या, जिनके पास कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं। लेकिन ऐसे में गोकुल धाम क्या सोचता है, ये देखने वाली बात होगी। उन मेहनतकश लोगों के लिए जो कड़ी धूप में परिश्रम करते हैं, उन पशु पक्षियों के लिए जो इस गर्मी का कहर झेलते हैं, क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी इनके लिए, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.